हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू टुडेज रिवीजन वीडियो, जहां पे हम रिवाइज करने वाले हैं दो एसएस, एसए 505 और एसए 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एकदम शानदार तरीके से। एक बात तो पक्की है, इस रिवीजन वीडियो के बाद आपने जितने भी कॉन्सेप्ट्स अपनी क्लास में सीखे सारे के सारे रिकॉल हो जाएंगे। So let's start with the revision video of SA 505 external confirmation। तो सबसे पहले एक बात बताओ, external confirmation होती क्या है? It is nothing but a audit evidence जो आप लेते हो directly, not involving the management as a written response। सर क्या oral नहीं चलेगा? The answer is no। Written response होना चाहिए to the auditor from the third party, जिसको हम प्यार से CP बोलते हैं, that is the confirming party। It can be in the paper form, electronic form or any other medium। दो तरह की confirmation request की discussion की थी, एक में जहां पे उसको सामने वाली पार्टी को confirmation देनी है, चाहे वो एग्री करती है चाहे डिसएग्री, that is called positive confirmation request and it is also considered to be a more persuasive evidence than the negative confirmation request। सर अगर negative confirmation request की बात करें तो सामने वाली पार्टी, that is the confirming party, will confirm only and only if it disagrees with the information provided in the request। सर नॉन रिस्पॉन्स का क्या मतलब है? या तो उसने कंप्लीटली इग्नोर किया या फिर उसने आपको पूरी बात नहीं बताई, दैट इज द फेलियर ऑफ द कंफर्मिंग पार्टी टू रिस्पॉन्ड और फुली रिस्पॉन्ड टू द पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। या फिर आपकी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट डिलीवर भी नहीं हुई, उसको भी हम नॉन रिस्पॉन्स का ही नाम देते हैं। एक्सेप्शन का मतलब है वही जो आप समझ रहे हो, हमने बोला था हमारी बुक्स में 1000 रुपए का बैलेंस है, सामने वाली पार्टी कहती है नहीं 900 रुपए का है, तो अगर दोनों बैलेंसेस में डिफरेंस आ जाता है, दैट इज द डिफरेंस कंटेन्ड इन द बुक्स ऑफ द क्लाइंट एंड द बैलेंस विच हैज बीन कंफर्म्ड बाय द कंफर्मिंग पार्टी, अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस है तो इसको एक्सेप्शन का नाम देते हैं। जब भी आपके पास एक्सेप्शन होगी, आपने रीजन फॉर डिफरेंस कंसीडर करना है, ये सोचने से पहले कि पूरी पॉपुलेशन अफेक्टेड है या नहीं। इसका एग्जाम्पल भी हम एक बार अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अब एक बार बताओ सर, ये प्रोसीजर्स में होता क्या है? 4 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले देखो क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, सेकेंड देखो किससे चाहिए, दैट इज सिलेक्टिंग एन एप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी। जब आपने दोनों चीजें कर ली, देन यू नीड टू ड्राफ्ट योर कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, जिसको हम बोलते हैं डिजाइनिंग। ये डिजाइनिंग करते वक्त बताना हम क्या क्या करते थे सर? assertions being addressed, उसके बाद लेआउट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द रिक्वेस्ट। फिर हमको ये था कि लेआउट कैसा होना चाहिए, तो हम अपना प्रायर एक्सपीरियंस देखते थे। उसके बाद आप मैनेजमेंट की ऑथराइजेशन भी ले सकते हो। फिर आप उस कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को भेजने के तरीके देखते हो, मेथड ऑफ सेंडिंग द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, एंड लास्ट में आप देखते थे इंटेंशन and the ability of the confirming party to confirm। ये सारी बातें हम डिजाइन में कंसीडर करके चलते थे। एंड लास्ट पॉइंट इज, आपने कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजनी है और अगर सामने वाली पार्टी जवाब नहीं देती तो आप फॉलो अप करके चलोगे। ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, डिजाइनिंग द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। एंड लास्ट पॉइंट इज, अगर मैनेजमेंट मना कर दे, तो क्या हम उसका गला पकड़ लेंगे? नहीं। आप मैनेजमेंट से सिंपल सी बात है, रीजन पूछो, उस रीजन के रिगार्डिंग एविडेंस लो, ये चेक करने के लिए कि क्या ये रीजन वैलिड और रीजनेबल है। फिर से बोल रहा हूं, क्या ये रीजन वैलिड और रीजनेबल है? अगर वैलिड और रीजनेबल नहीं है, यानी देयर इज अ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, देयर कैन आल्सो बी अ रिस्क ऑफ फ्रॉड, एंड देन यू नीड टू कंसीडर इट्स इंपैक्ट ऑन द आंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। सर आंटी यानी नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। प्लस मैनेजमेंट ने मना किया तो क्या हुआ? हम ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर कर सकते हैं और दो एडिशनल चीजें करके चलेंगे विच आर सप्लीमेंट्री टू दिस, एसए 260 एंड एसए 705। सर 260 का क्या मतलब है? टीसीडब्ल्यूजी को शिकायत लगाएंगे कि भाई मैनेजमेंट परेशान कर रहा है, और 705 में वी कैन आल्सो कंसीडर मॉडिफाइंग आवर ऑडिट ओपिनियन। जल्दी से बताओ, क्या ये बात सबको समझ आई? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? कम ऑन एवरीवन, जल्दी से बताओ, हाँ या ना। यस सर, मजा आ गया। अगला पॉइंट देखो सर, नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट अच्छी नहीं होती। सर अच्छी नहीं होती मतलब इट इज कंसीडर्ड टू बी अ लेस परसुएसिव एविडेंस। इसको आप यूज नहीं करोगे जब तक 4 कंडीशंस प्रेजेंट नहीं है। सर ये 4 कंडीशन क्या है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम है, ऐसा हम मानते नहीं है, हम ऐसा जानते भी हैं क्योंकि हमने इंटरनल कंट्रोल्स की टेस्टिंग करी और वो इफेक्टिव निकले। सर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम है, साथ ही साथ एक्सेप्शन रेट भी कम है, लो एक्सेप्शन रेट। सर ये तो हो गए कम कम। एक बात बताओ, ज्यादा क्या है? ज्यादा बैलेंसेस हैं, बड़े ज्यादा, छोटे छोटे, एक जैसे बैलेंसेस हैं। कम कम ज्यादा ज्यादा करके याद रखना, तुमको हमेशा याद रहेगा। कम कम क्या है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम है, एक्सेप्शन रेट कम है। ज्यादा ज्यादा क्या है? सर बैलेंसेस ज्यादा ज्यादा है। पॉपुलेशन कंप्राइजेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल होमोजीनियस बैलेंसेस, और वी आर नॉट अवेयर अबाउट एनी सर्कमस्टेंस जिसमें जो सामने वाली पार्टी है वो हमारी रिक्वेस्ट को डिसरिगार्ड करेगी, दैट द अदर पार्टी विल डिसरिगार्ड अवर रिक्वेस्ट। तो ये लास्ट पॉइंट आपने ध्यान में रख के चलना है। ये सारे केसेस है जहां पे आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को यूज कर सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट वाज, क्या हमको एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये तीन चीजों पे डिपेंड करेगा। एक तो सामने वाली पार्टी की नॉलेज, दूसरा क्या वो हमको बताएगी, दैट इज द एबिलिटी और विलिंगनेस ऑफ द पार्टी टू रिस्पॉन्ड। मैं कहता हूं नहीं बताएगी। सर क्यों? Because it is very costly and time consuming. Sir, costly क्यों? Because there can be a legal liability. Time consuming क्यों? Because there can be transactions in different currencies. साथ ही साथ it may be operating in an environment जहां पे responding to the confirmation request is not a significant aspect in the day-to-day operations. And last point is, जानती भी है, बताएगी भी, but क्या हम मानेंगे? नहीं। अगर ऑब्जेक्टिविटी में कमी है, इट विल बी कंसीडर्ड टू बी अ लेस रिलायबल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। 5 मिनट 53 सेकंड में हमारा SA 505 एकदम शानदार तरीके से रिवाइज हो जाता है। अब सर आता है SA 580। SA 580 बड़ा छोटा सा था, मरियल सा ऐसे था, कुछ भी नहीं है इसमें। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, जैसा नाम वैसी डेफिनेशन, इट इज अ रिटर्न स्टेटमेंट जो ऑडिटर मैनेजमेंट को देता है। सारे बच्चे बोलो डन 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 सर, यही होता है, ऑडिटर ही मैनेजमेंट को देता है। बताना जरा सही बोला मैंने? बोलो बोलो, ऑडिटर मैनेजमेंट को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देता है, कहता है, लिख के देता है कि मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही से बना है। नहीं सर, कैसी कैसी बातें कर रहे हो। मैनेजमेंट देता है ऑडिटर को, क्यों? दो चीजों के लिए, कुछ मैटर्स को कंफर्म करने के लिए, कुछ एविडेंस को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, असर्शंस और सपोर्टिंग बुक्स एंड रिकॉर्ड्स रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एक नेसेसरी एविडेंस तो है, बट सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं है। सर ऑडिटर के क्या ऑब्जेक्टिव है? तीन चीजें, टू ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, टू सपोर्ट द अदर ऑडिट एविडेंस, एंड तीसरा टू रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली वेन एवर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड। ये तीन बातों पे हमने पूरा फ्लो चार्ट बनाया था, सब समझ में आया था, उसी को आपने ध्यान में रख के आगे बढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिकन्फर्मेशन। सर ये रिकन्फर्मेशन हम 4 केसेस में लेंगे। कौन कौन से? पहले तो लोग बदल गए, हालात बदल गए। लोग बदल गए यानी द पीपल हु एग्रीड टू द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट आर नो लॉन्गर होल्डिंग द रेलिवेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हालात बदल गए यानी देयर इज अ चेंजेस इन द सर्कमस्टेंस। अगर ये दोनों केसेस हैं तो आपको रिकन्फर्मेशन लेके चलनी पड़ेगी। प्लस मैनेजमेंट के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैनेजमेंट भूल गया है जो उसने पिछली बार बातें कही थी। तो अगर ये पिछले साल उसने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एग्री किए थे तो वापस उससे रिकन्फर्मेशन ले लो, एंड अगर मैनेजमेंट में मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वापस आप रिकन्फर्मेशन लेके ही आगे बढ़ेंगे। सर डेट और पीरियड के बारे में बताओ। तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन शुड बी डेटेड 14th of February 2023। ऐसा नहीं होता, आप अपने मन से कोई डेट नहीं दे सकते। ऐसे तो शुभम केसवानी बोलेगा मेरे बर्थ डेट पे होना चाहिए 26 जून, आंचल बोलेगी मेरा बर्थ डेट रख दो, भावना कहेगी मेरा बर्थ डेट रख दो, किसी की डेट नहीं रख सकते। तो क्या रखे सर? आप इसकी डेट रखो बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। सर ऑडिट रिपोर्ट के बाद रख दो, नहीं, भूल जाते हो तुम। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज एन ऑडिट एविडेंस, एविडेंस में निकलेगा कंक्लूजन, कंक्लूजन पे निकलेगा ओपिनियन। तो आपने इस बात को तो ध्यान में रखना है कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑडिट रिपोर्ट के बाद तो नहीं हो सकती, पहले रखनी पड़ेगी। और जितना पास रखो उतना अच्छा सर, क्योंकि पास जितना बेहतर उतना, ये बात याद रखना। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के केस में ऑडिट रिपोर्ट के पास जितना बेहतर उतना, क्यों? क्योंकि ऑडिटर इज कंसर्न अबाउट ऑल द इवेंट्स occurring up to the date of audit report. तो जितनी ज़्यादा वो audit report के पास होगी date उतना बेहतर रहेगा। What will be the period covered by return representation? All the periods which are covered by the audit report. यही बात आपने ध्यान में रखनी है। And last point is doubt regarding the reliability of return representation. जहां भी doubt हो, हम पूरे audit में यही बोलते हैं आपने additional audit procedure करने to remove the doubt. अगर doubt remove नहीं होता, you will question the dice of management. सर dice का क्या मतलब था? डाइस बोले तो डिलीजेंस, इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंस एंड एथिकल वैल्यूज। देन यू नीड टू कंसीडर द इंपैक्ट ऑन द अदर रिप्रेजेंटेशन, दिस कैन बी रिटर्न, दिस कैन बी ओरल, ऑडिट एविडेंस इन जनरल। एंड उसके बाद भी आपको लगता है गड़बड़ है दया, देन मॉडिफाई योर ओपिनियन एज पर एसए 705। सर मैनेजमेंट ने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देने से मना कर दिया है तो ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर कर लो। कैसी कैसी बातें करते हो सर, मैनेजमेंट की लिखी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता। डिस्कस करो मैनेजमेंट के साथ, रीवैल्यूएट करो इंटीग्रिटी, और 705 के हिसाब से अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर देना या जो तुम्हें ठीक लगे कर देना। यही बात तुमको याद रखनी है। यहां हमारा SA 580 का भी रिवीजन कंप्लीट हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो डू गिव इट अ लाइक एंड यस स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस, क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। और सीए इंटर करके फाइनल में सीए फाइनल भी क्लियर करके अपना और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करेंगे। हैव अ ग्रेट डे अहेड, ऑसम, बाय बाय। चलो भाई चलो, एंड एंड एंड।